When fashion meet fitness. ये है फायरबॉल की तरफ से अल्ट्रॉन स्मार्ट वॉच। इसकी डिस्प्ले है एमोलेड ऑलवेज ऑन। Hey everyone, hope you are doing well. My name is Arshad. Welcome back to my YouTube channel. So यार Firebolt की तरफ से एक और बहुत ही तगड़ी वॉच आ चुकी है जो कि है फिटनेस स्मार्ट वॉच Firebolt Ultron। ये वॉच समझ लो आप जो नॉइस की Evolve 2 आई है सेम वही है वॉच, बट इसमें कुछ अलग फीचर्स भी है, उससे ज्यादा बेटर फीचर्स हैं इस वॉच के अंदर। तो हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और सारी चीजें टेस्ट भी करेंगे। तो काफी भर भर के फीचर्स दिए गए हैं इस वॉच के अंदर। एक फिटनेस स्मार्ट वॉच के साथ साथ एक फैशनेबल स्मार्ट वॉच भी है ये, जैसा कि अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा भी होगा। तो अभी इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स के अंदर और दिखने में कैसी है वॉच। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो यार 31 दिसंबर बहुत ही जल्दी आने वाला है, उससे पहले पहले मैं चाहता हूं कि मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितनी जल्दी करवा दो उतना अच्छा है। सबसे पहले बॉक्स पे आपको फिर वही विकी कौशल और वॉच की प्रिंटिंग हुई हुई है यहाँ पे। बाकी दोनों साइड यहाँ पे फीचर दिए गए हैं, उसके अलावा बैक साइड में आपको भी फीचर्स ही लिखे गए हैं। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं इग्नोर क्योंकि हम फीचर्स के बारे में आगे बात करेंगे। तो बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है एक स्मार्ट वॉच, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है एक मैनुअल कार्ड, उसके अलावा यहाँ पे वारंटी कार्ड है, उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ सब्सक्रिप्शन भी दिए हुए हैं जो कि जी सिने और Gaana.com का है। वो आप लोगों को पता है वॉच के अंदर ही मिल जाता है आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन। साथ ही साथ चार्जिंग केबल की बात करूँ तो पोगो पिन वाला चार्जिंग केबल है यहाँ पे। जो क्वालिटी है चार्जिंग केबल की सेम वैसी है जो मैंने अभी आप लोगों को अल्माइटी वॉच की दिखाई थी। वॉच ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके की लगती है और काफी तगड़ी प्रीमियम क्वालिटी है इस वॉच की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यार सेटअप और एप्लीकेशन के बारे में बात करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि सेम एप्लीकेशन है द फिट नाम की। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो इसका प्रोसेस तो आप मेरी निंजा वाली और या फिर रिंग वाली जो वीडियो है वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको 1.2 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और जो डिस्प्ले है ना वो 1.2 इंच आपको सुनने में कम लग रहा है, बट जो डिस्प्ले का प्रॉपर साइज है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। कई वॉचेज 1.28, 1.3 लिखते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले का साइज होता है वो छोटा होता है और डायलर का बड़ा होता है, बट यहाँ पे आपको डिस्प्ले का साइज काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा 1.2 इंच में भी। और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर है, एक एमोलेड डिस्प्ले जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। ऐसा नहीं कि कहीं पे कॉस्ट कटिंग की गई है इसके डिस्प्ले को लेकर। 390x390 का आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले में बहुत अच्छा काम किया है Firebolt ने, और आपको यहाँ पे आउटडोर में भी यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने बहुत देर तक इसको पहन के यूज़ किया है आउटडोर में, और मैं इसको 3-4 दिन से भी यूज़ कर ही रहा हूँ, तो आउटडोर इनडोर हर जगह यूज़ करना हो रहा है मेरा। तो आप बेझिझक रहना, सनलाइट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी देखने को आपको मिल जाएगी यहाँ पे डिस्प्ले की। इसके अलावा हेल्थ ट्रैकर्स की बात करूँ तो आपको हार्ट रेट, SpO2 और BP मॉनिटर जैसे तगड़े फीचर्स भी मिल जाते हैं। वही बात करता हूँ यार मैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स की, तो इसमें आपको कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट भी मिल ही जाता है। स्पोर्ट्स मोड की बात करूँ तो 15 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है, बेसिक जितने भी हैं और जितने भी काम के स्पोर्ट्स मोड है ना वो सारे दिए गए हैं इसके अंदर, और काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रैकिंग करता है, तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इनबिल्ट गेम का फीचर भी दिया गया है, 2 गेम दिए गए हैं इस वॉच के अंदर, आप बैठ के टाइम पास कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर लोग खेलते नहीं है वॉच में, लेकिन फिर भी इन्होंने एक फीचर को एड ऑन करने के लिए दे दिया है। वाटर स्टैंड की बात करूं तो 3 ATM देखने को मिल रहा है यहाँ पे। जी हाँ, आप स्विमिंग वगैरह इजीली इससे कर सकते हो, तो ये चीज काफी अच्छी लगी है मुझे। Firebolt की ये तीसरी ऐसी वॉच है जिसके अंदर आपको 3 ATM देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप की बात करूं तो स्टैंड बाय यहाँ पे 15 डेज का मिलता है, नॉर्मल यूज करोगे तो 8 डेज का बैटरी बैकअप है। एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ यूज करते हो तो आपको 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी तक इसको एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ ही यूज कर रहा हूँ, और 3-4 दिन तो मुझे हो चुके और ऐसी कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आई है बैटरी को लेकर, मैंने इसको चार्ज ही नहीं करा है अभी तक।
अभी बात करते हैं यार बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी जैसा कि मैंने बताया फुल्ली मेटेलिक बॉडी के साथ आती है वॉच, कहीं पे भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया है। जो बिल्ड क्वालिटी है ना इसकी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। आप जब इसको पहनते हो और इसे यूज़ करते हो जब आप, तो आपको अपने आप में एक फील होता है कि हाँ भाई मैंने 8-10 हज़ार रुपये वाली वॉच पहन रखी है। हालांकि इसका प्राइस कम है काफ़ी, मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। एक क्रॉन जो यहाँ पे है रेड फिनिश के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है इसके लुक को। आपको सैमसंग एक्टिव 2 की याद दिला देगी ये वॉच, और इतने कम प्राइस में और क्या चाहिए। आपके ओवरऑल लुक को भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है, एक फैशनेबल वॉच है ये क्योंकि फिटनेस के साथ साथ। वही बात करूँ स्ट्रैप क्वालिटी की, तो स्ट्रैप क्वालिटी मुझे ओके लगी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतनी तगड़ी क्वालिटी नहीं लगी है। जो डस्ट वगैरह होती है इसके स्ट्रैप बहुत जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, और यार मतलब बहुत जल्दी गंदा होने के चांसेस रहते हैं, आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है इसके स्ट्रैप्स को लेकर। बट अगर आप ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो प्राइस से भी आपकी एक्सपेक्टेशन को ये एक्सीड कर देगा। बिल्ड एंड डिज़ाइन में बहुत तगड़ी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं अभी इसके वॉच यूआई की, कि वॉच यूआई कैसी है इसकी और लैग करती है नहीं करती है। तो सबसे पहले नीचे से स्वाइप अप करते ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप राइट स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं हेल्थ ट्रैकर्स के ही, आपका इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्टिविटी में। इसके अलावा आपको इसमें हार्ट रेट, स्लीपिंग मोड, वेदर कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, साथ ही साथ ब्रीथ मोड भी मिल जाता है। बात करूँ मैं इसके ऊपर से स्वाइप करते ही आपको यहाँ पे सेटिंग के कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, थिएटर मोड, वाइब्रेशन और सेटिंग। सेटिंग के अंदर आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन क्लॉक का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच, मेन्यू व्यू और अबाउट के ऑप्शन मिल जाते हैं। वही बात करूँ मेन मेन्यू की, तो लेफ्ट से स्वाइप करते ही आप मेन मेन्यू में आ जाते हो। मेन मेन्यू के अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो इस वॉच के अंदर है। स्पोर्ट्स मोड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 15 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, और काफ़ी सही स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। जो यहाँ पे क्रॉन दे रखा है ये डमी नहीं है, ये वर्किंग है, तो आप इससे वॉच फेसेस वगैरह इजिली चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसका यूज़ करके मेन्यू कंट्रोल भी कर सकते हो। वहीं बात करूँ मैं इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेसेस की, तो 2 वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, एक तो आपका एनालॉग है और एक डिजिटल है, तो आपको इससे ज़्यादा यहाँ पे AOD के वॉच फेसेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो बस यही है वॉच UI इसकी, और लैग की बात करूँ तो बिल्कुल भी लैग नहीं करती है इसकी वॉच UI, जैसा कि अभी आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इसकी UI काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। वाटर रेजिस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 ATM देखने को मिल जाता है, और ये फुल्ली स्विमिंग प्रूफ है, तो आप इसे पहन के स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ करा है और डेली बेसिस पे शावर वगैरह भी लिया है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई इस वॉच को पहनकर पानी डालने में या फिर इसको पानी में यूज़ करने में। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे 3 ATM देकर फायरबोल्ट ने, जो कि मैं बहुत पहले से ही कहता हूँ कि यार फायरबोल्ट वाले वाटर रेजिस्टेंट में काफ़ी पीछे रह जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अपने कस्टमर्स को इन्होंने खुश किया है। एक्यूरेसी एंड सरफेस टेस्ट की भी बात कर ही लेते हैं यार, तो एक्यूरेसी में हार्ट रेट की बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जो हार्ट रेट का यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑक्सीमीटर से, जो वॉच है वो बहुत ही तगड़ी तरीके से साथ में चल रही है, जो रीडिंग दे रही है, और एट दी एंड जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, जो मेज़र करती है वॉच, बहुत अच्छे से मेज़र करती है। अगर वॉच ने आपको एक डेटा दे दिया, उसके बाद भी अगर आप थोड़ा भागते हो या कुछ एक्टिविटी करते हो, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो वहाँ पे वॉच भी आपको उतना ही शो करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है इस वॉच के अंदर, कि आपको हार्ट रेट में बहुत तगड़ी एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। वही बात करूँ SPO2 की, तो SPO2 में भी इसके सेंसर्स काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, और ऑक्सीमीटर से जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो ऑक्सीमीटर के साथ साथ ही चल रही है इसकी रीडिंग, और जो रीडिंग है लास्ट की वो ऑलमोस्ट सेम है ऑक्सीमीटर की और वॉच की, 19-20 का ही फ़र्क देखने को मिलता है। वो कभी कभी ऐसा होता है, कभी एकदम ही एक्यूरेट दिखाता है, कभी 19-20 का, इससे ज़्यादा आपको इनएक्यूरेट डेटा प्रोवाइड नहीं करती है ये वॉच। बात करूँ इसके सरफेस टेस्ट की, तो यार देखो सरफेस टेस्ट में भी मैंने इसको यूज़ करा है, कहीं पे भी आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी है। सबसे पहले आपको वॉच पहनने कहती है, तो चाहे आप स्ट्रैप से चेक कर लो या नीचे रख के, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सेंसर्स को लेकर। इसके सेंसर बिल्कुल भी फेक नहीं है, आपको डेटा नहीं देती है अगर आप ये नॉन लिविंग थिंग पे इसको यूज़ करते हो तो। वही बात करते हैं मेन मुद्दे की स्पोर्ट्स मोड की, तो 15 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं इस वॉच के अंदर, और काफ़ी कमाल के स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाते हैं, और जो एक्यूरेसी है ना यार वो भी बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं इसको 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैंने इसको हर जगह चेक किया होगा, तो वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं इसको
चेक कर चुका हूँ, जो एट द एंड आपको एक डेटा प्रोवाइड करती है ये, जो मेज़र करने के बाद आपके स्पोर्ट्स मोड को, या चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट देखने को मिल जाता है इसका। चाहे आप हार्ट रेट की बात कर लो, किलोमीटर्स माइल्स की बात कर लो, या फिर आप कैलोरीज की बात कर लो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से मेज़र करके बता देती है वॉच। तो ये चीज़ मैंने इसके अंदर काफ़ी बार ऑब्जर्व करी है कि इन एक्यूरेट डेटा आपको कभी भी ये शो नहीं करती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है, फिटनेस स्मार्ट वॉच बनाई है तो भाई वो इस पे खड़ी भी उतर रही है। कहीं ना कहीं यार पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है आजकल फायरबोल्ट की वॉचेज़ में, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अपना नाम बना चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो फायरबोल्ट भी अब कहीं पीछे नहीं रहना चाहती है और ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट कर रही है। बात करते हैं यार कंक्लूजन की कि आपको ये वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और इसका प्राइस क्या रहेगा, सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो इसका प्राइस रहने वाला है वो 4000 से 5000 रहने वाला है। एक बेटर वर्जन आप समझ सकते हो इवॉल्व 2 से, क्योंकि मैंने इवॉल्व 2 की भी काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं। मुझे ये लगा कि जो मैं वॉच यूज़ कर रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर है स्पेक्स में भी और प्रैक्टिकल यूज़ में भी। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे वो ले सकते हो या ये ले सकते हो, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप यही लो, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किए चीज़ें उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। बाकी एक ही कौन लगा है, जो इसका स्ट्रैप है ना वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, थोड़ी और अच्छी क्वालिटी का हो सकता था, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रैप में, बस थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे केयर करना पड़ सकता है। तो यार बस यही थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना यार। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।